के हम लोग के तीन लेक्चर्स और हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज का ग्राफ कैसे बनता है वो। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असिम्प्टोट से कोरिलेटेड ग्राफ्स पढ़ेंगे, और फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल से कोरिलेटेड ग्राफ्स पढ़ेंगे। ये तीन लेक्चर के बाद ग्राफ खत्म हो जाएगा। उसका नेक्स्ट वीक से हम लोग कैलकुलस का फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग का एक आठ डेढ़ महीने का जो मकसद है वो उसी में उलझा रहेगा। उसको ख़त्म करने के बाद ही कुछ पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेन टॉपिक है वो। स्टार्ट करते हैं। ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज हम एकदम सिंपल ग्राफ से आपको बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं और आसान उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन में रहे ड्रॉ 2x + 3y < 6। तो सबसे पहला बात क्या है कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वल टू वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू भी हमको ड्रॉ करना होगा किसको, 2x 3/6। तो एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर टू, अब वाई बराबर जीरो, एक्स बराबर थ्री, 1, 2, 3, 1, 2, 3, वाई पे 2 है और x पे 3 है। और ये तो लीनियर इक्वेशन है, एक डिग्री का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ कर दिए। ये हो गया 3, 0, ये हो गया 0, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में कुछ पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे, और वो पॉइंट आसान पॉइंट डिस्कस कीजिएगा जिसको आप लोकेट कर सके, जैसे 0, 0। तो 4, 0, 0 ओरिजिन से, उसमें पुट कीजिएगा इनइक्वालिटीज में। सही है या गलत है, ये ट्रू। जो हम पॉइंट पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में, अगर वो सही होगा तो जिधर की ओर पॉइंट है ना उधर की ओर शैडो हो जाएगा, यानी उधर की ओर का पूरा एरिया। ये बैंक गारंटी जैसा है, बैंक में कैसे एक गारंटी पॉइंट मांगता है, एक आदमी अकाउंट खोलने जाते हैं तो आपका एक कोई कोई एक अकाउंट मांगता है ना कि एक गारंटी के रूप में दीजिए, तो वैसे ही ये गारंटी के रूप में हम 0, 0 इसमें पुट करके देखें इसके रेस्पेक्ट में, तो ट्रू आ गया। इसका मतलब इधर जो पॉइंट है ना, ये इस ओर है, तो इस ओर के जितने भी पॉइंट्स हैं ना सब कंसीडर हो जाएंगे, यानी पूरा, जैसे ये जो स्ट्रेट लाइन है पूरा प्लेन को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक हिस्सा वो है जिस जिधर की ओर ओरिजिन लाई कर रहा है, जो पॉइंट हम पुट किए हैं, और एक वो है जिधर की ओर वो पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। तो चूंकि हम वो पॉइंट को यानी ओरिजिन को पुट करके देखे हैं और उससे इनइक्वालिटीज जो है वो सेटिस्फाई हो गया है, इसलिए स्ट्रेट लाइन के इधर का सारा हिस्सा उसमें आ जाएगा, ठीक है, और साथ में स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि इक्वल टू भी इसमें दिया हुआ है, ये पूरा हिस्सा होगा, इस पूरा हिस्सा में जितने भी पॉइंट है ना वो सब के सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। नोट कीजिए, y ग्रेटर देन x, सबसे पहले y बराबर x ड्रॉ कर दिए। अब की हम ओरिजिन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा पॉइंट पुट करना है ना जो इस स्ट्रेट लाइन पे या कर्व पे नहीं लाई करे,
तो हम या तो एक्स एक्सिस का पॉइंट भरेंगे या वाई एक्सिस का, जिस पॉइंट के बारे में श्योर है वही पॉइंट भरिएगा। वन पुट करके देखिए, 1 0, 0 greater than 1, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। तो जिधर की ओर ये पॉइंट है ना, इसके ठीक उल्टा साइड, पुट किए ये पॉइंट पुट करने पे फॉल्स आ गया, फॉल्स आ गया, इसके ठीक उल्टा साइड। अगर ट्रू आता तो इधर की ओर पॉइंट होता। ठीक है, नोट कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ सैटिस्फाइंग the conditions x plus y less than 200, y greater than 4x, or x greater than 20, y greater than 20। ठीक है, ये आपसे ये क्वेश्चन एक साथ हमको ड्रॉ करना है, एक साथ इतनी चीजें। चालीस का काटिए क्योंकि 200 चाहिए। 40 80 120 160 200 40 80 120 ठीक है, ये तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर 20 बोल रहे हैं, 20 एकदम ठीक बीच से, 20 y बराबर 80 बोल रहा है, ये हो गया x बराबर 20, ये हो गया y बराबर 80। ठीक है,
और ये हो गया x प्लस वाई बराबर 200। अब रहा y बराबर 4x ड्रॉ करना, 0 0 पे 0 0, x बराबर 20 तो y बराबर 20 ये हो गया। देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले x के इधर बोल रहा है, क्यों? x ग्रेटर देन 20 चाहिए, y ग्रेटर देन 80 चाहिए, यानी इसके इधर बोल रहा है। एट द सेम टाइम 4 इनइक्वालिटी x प्लस y लेस देन 200 इसके लिए 0 0 पुट करके देखिए सही है या गलत है। तो यानी कि इनइक्वालिटी will be on the side of origin, origin put करने पे सही आया है, इसके origin के side वाला portion होना चाहिए। ये अब 4 कौन सा portion? y greater than 4x, 4x के greater than अगर हम discuss करेंगे तो हमको origin से तो गुजर ही रहा है, हमको क्या put करके देखना चाहिए? 4x के लिए हम origin का कोई point put करके देखते हैं, x axis का point put करके देखते हैं, 40 या 0, 40 या 0 false, ये पॉइंट पुट करने पे फॉल्स आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके इधर होना चाहिए, यानी कि शैडो इधर होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये बताइए, ध्यान से देखने पे हमको पता चला इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके नीचे, तो आखिर वो कौन सा पोर्शन है जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है? ये पोर्शन है जो सभी इनइक्वालिटीज को, यानी कि ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यहां ध्यान दीजिए, एक एक इनइक्वालिटी को इंडिविजुअली समझिए, एक एक इनइक्वालिटी को। सबसे पहले तो इसके इधर है, इसके इधर है, इसके ऊपर है, इसके इस साइड है, इसके इस साइड है, तो ये सारा कंडीशन जो है ना यही पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही हरा वाला पोर्शन ही डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए। ये आपके पास सेट ऑफ रिक्वायर्ड ग्राफ यही होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। ड्रॉ कीजिए ग्राफ जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, x प्लस 2 बाय is less than 4 or 2x plus 3y less than 6 and x greater than 0 greater than equal to 0 and y greater than equal to 0।
इसको देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच। फोर एक्स प्लस टू बाई इज इक्वल टू फोर, एक्स बराबर जीरो बाई बराबर टू, बाई बराबर जीरो एक्स बराबर फोर। एक एक बार जीरो पुट करके जैसे स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ करते हैं वही, तो जीरो और टू एक पॉइंट तो ये हो गया, और फोर और जीरो एक पॉइंट ये हो गया। फोर टू एक्स थ्री बाई लेस देन, इक्वालिटी का चित्र पहले बना लीजिए, इक्वल टू का एक्स बराबर जीरो बाय बराबर टू, बाय बराबर जीरो एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर थ्री और बाय बराबर कितना टू। ये हो गया पोर्शन, फोर जीरो जीरो टू, इसके लिए जीरो जीरो पुट करके देखिए, ये भी टू, इसके भी इधर इसके भी इधर, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। और सिर्फ इसी में क्यों किए हम लोग, सिर्फ इसी में क्यों किए, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो बोल रहा था, x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो, इसलिए शैडो जो है ना इधर क्यों नहीं किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसीलिए किए, नोट कर लीजिए इसको। रीजन एस का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जहां कि एस इक्वल टू एक्स बाई, ये जब डबल इस तरह से डॉट दिया रहता है ना, इसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि पॉइंट एक्स बाई इस तरह से है कि बाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, अब बाई लेस देन एक्स है, तो इसका ड्रॉ करना है। तो यहाँ तो चूंकि आपके पास ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो एक तरह से अगर देखिएगा तो ये दो इनइक्वालिटीज कंसीडर्ड है, एक ये एक ये, यानी कि y ग्रेटर देन x स्क्वायर अब y लेस देन x, ये दो इनइक्वालिटीज है। तो बाई अगर एक्स स्क्वायर का कंसिडरेशन कीजिएगा, इसका ये वाला ग्राफ अगर ड्रॉ कीजिएगा, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा पॉइंट भरिए जिसको आप जानते हो, जैसे 1 0 हम जान रहे हैं यहां है, 1 0 पुट करके देखिए, बाई जीरो ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, तो फॉल्स है तो ये आउटसाइड है, तो इनसाइड वाला पोर्शन होना चाहिए, ये बाहर है तो बाहर वाला पॉइंट के लिए फॉल्स है, तो ऑब्वियसली अंदर वाला पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये कर्व का दो पोर्शन है, एक अंदर है एक बाहर। उस हिसाब से अगर कंसीडर करें तो ये इनइक्वालिटीज किसको शो कर रहा है,
ये वाला पोर्शन को शो कर रहा है, ये पोर्शन को, एट द सेम टाइम इस कर्व को भी शो कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये दो चीजें शो कर रहा है। अब देखिए फिर से y बराबर x, फिर 1 0, तो 4 1 0 इन, क्योंकि ओरिजिन से गुजर रहा है इसलिए ओरिजिन नहीं पुट किए है, पुट कीजिए 0 y के जगह 0, x के जगह 1, ये ट्रू है। इधर की ओर पॉइंट है, इधर की ओर ही शैडो होगा, टू में जिधर का पॉइंट भरते हो उधर की ओर शैडो, और फॉल्स में जिधर का पॉइंट भरते हैं ना उसके उल्टे साइड का शैडो। अब ये दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करो, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x, इसके इस साइड बोल रहा है, इसके इस साइड बोल रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन के इधर की ओर और कर्व के अंदर की ओर, पैराबोला है ना वो, तो इस हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास ये रीजन हो जाना चाहिए, जहां की ये कट कर रहा है किस पे, 1 और 1 बिंदु पे, जैसे y बराबर x स्क्वायर y बराबर x, तो कट कहां कहां कर रहा है, 0 0 पे और 3 वाला पोर्शन, नोट कर आपके पास बोल रहा है इस रीजन को डिफाइन कीजिए s इक्वल टू x y सच दैट, देखो सच दैट को ऐसे भी डिनोट करता है, स्लैश से भी डिनोट कर सकता है, इस तरह से भी लिखा हो सकता है x y, देखिए मैथमेटिक्स वास्तविकता में एक भाषा है, अगर आप भाषा समझ गए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो 12th का एरिया आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगा, यानी 50% एरिया जो है ना ग्राफ में ही आकर क्लियर हो गया, कल इंटीग्रेशन करना रह गया, ठीक है। हम लोग जितना भी लेक्चर्स ग्राफ का पढ़े हैं वो सारे लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा मदद करने को है, मैथ्स को बहुत ज्यादा आसान कर देगा, जब आप प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो चीजें बहुत आपके फेवर में हो जाएगा। एकदम ग्राफिकल व्यू जिसके पास है वो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जानता है, जिनके पास ग्राफिकल व्यूज नहीं है वो सिर्फ मैथमेटिक्स खाना पूर्ति करते हैं। देखिए ये तो सर्कल हो गया, ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर a, ये स्ट्रेट लाइन, ये हमको मालूम है 1 0 0 1, x बराबर 0 y बराबर 1 y बराबर 0 x बराबर 1, ये हो गया, ये ओरिजिन है, तो 4 0 0 इसके लिए 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर लेस देन 1, ये ट्रू है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इधर
सर्कल के रेस्पेक्ट में। वैसे भी इनसाइड थ्योरी आपको बताए थे सर्कल में स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में इधर, स्ट्रेट लाइन के इधर क्योंकि ओरिजिन से ये फॉल्स आया है, इधर क्योंकि ट्रू आया है। उस लिहाज से अगर डिस्कस करें ये पोर्शन होना चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। आपको इस रीजन का ग्राफ ड्रॉ करना है। रीजन क्या है? एस इज सच दैट एक्स बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई सच दैट बाई जीरो से एक्स स्क्वायर प्लस वन के बीच में, बाई जीरो से एक्स प्लस वन के बीच में और एक्स जीरो से टू के बीच में। आपको तो पता है बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा होगा क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन एक पॉइंट ऊपर क्यों चला जाएगा? ये ग्राफ है, ये रहा किसका ग्राफ? एक्स स्क्वायर प्लस वन का। अब हमको बाई बराबर एक्स प्लस वन चाहिए, तो एक्स बराबर जीरो, बाई बराबर वन, बाई बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन, ये ग्राफ हो जाएगा। एक दूसरे को ये कट कर रहा है किस पे? वन पे। कैसे? वन पे कैसे कट कर रहा है? तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, बाई बराबर एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन, एक्स बराबर जीरो और वन। टू थ्री वन टू थ्री फोर। पहला में क्या बोल रहा है? ये वाला कर्व जीरो से, सबसे पहले तो हमको ये देखना है ना कि कहाँ से कहाँ के बीच में हमको चाहिए। एक्स का मान जीरो से टू के बीच में चाहिए, ये पोर्शन में चाहिए। एक्स का मान जीरो से टू के बीच में ये पोर्शन चाहिए हमको, ये। और हमको जीरो से एक्स स्क्वायर प्लस वन के बीच में, बाई का कोऑर्डिनेट जीरो से एक्स स्क्वायर प्लस वन के बीच में, ये पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन। जीरो जीरो पुट करके देखो, ट्रू आ जाएगा। जीरो जीरो पुट करके देखो, फोर बाई लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वन। जीरो जीरो पुट करके देखिए, ट्रू। और फोर बाई एक्स प्लस वन, ये भी ट्रू आया, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ट्रू है। इधर की ओर, इधर की ओर, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा बताइए?
इस लाइन के भी नीचे चाहिए, इस कर्व के भी नीचे चाहिए, तो दोनों में कॉमन है, जीरो से ऊपर चाहिए, तो कॉमन हो गया ये रीजन, ठीक है। और इधर तो कर्व है ही नहीं, इसके नीचे चाहिए, यानी कि ये रीजन हो गया। ठीक है, अब कारण समझिए, ये कर्व है बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये बाई एक्स प्लस वन, हमको जीरो से टू के बीच में चाहिए। हम ये देखें कि दोनों कर्व कट कहाँ किया है, वन वन पे कट किया है, इस बिंदु पे, सॉरी टू वन पे कट किया है, वन टू पे, इस बिंदु पे कट किया है। एट द सेम टाइम हम देखे कि इस कर्व के भी नीचे, स्ट्रेट लाइन के भी नीचे, क्योंकि उसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, तो दोनों का कॉमन रीजन ना हमको चाहिए, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, इसलिए इसको लिए। और यहाँ एक से दो के बीच में तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है, कर्व तो है नहीं, इसलिए इसके नीचे हो गया। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ठीक है, इसके अंदर ये कर्व का जो हिस्सा है ना, इसके अंदर वाला कंसीडर होगा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके भी, इस स्ट्रेट लाइन के भी नीचे है, इस पैराबोला के भी नीचे है, तो दोनों का कॉमन रीजन हो गया ये वाला पोर्शन, ये और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे है, तो ये कॉमन रीजन हो गया। नोट कर लीजिए इसको, ये आपको ड्रॉ करना है। पहला में देखिए, ये आपको याद होगा, ये चित्र आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1 0। अब आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इसको कट कर दीजिए, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई, हो गया। अब आपसे पूछ रहा है क्या, ये तो आप क्या करेंगे, 0 0 पुट करने पे, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू, 0 0 उस कर्व के अंदर है या बाहर है, अंदर है, इसलिए ये स्क्वायर वाला क्षेत्र जो है ये कंसीडर होगा, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन 1 का बारी रहे, ठीक है,
जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन वन, ट्रू के फॉल्स, ठीक है, ऑन साइट ये दूसरा वाला, तीसरा वाला है एक्स प्लस वाई फोर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस वन, यानी एक्स प्लस वाई बराबर वन, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वन, एक्स प्लस वाई बराबर वन ये हो गया स्ट्रेट लाइन, एक्स प्लस वाई बराबर माइनस वन ये हो गया, हो जाएगा पैरेलल लाइंस, वन जीरो जीरो वन, पुट करके देखिए जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो। अब सबसे पहले इनइक्वालिटीज पुट, जीरो जीरो पुट कीजिए, जीरो जीरो तो इन दोनों के बीच में है, जीरो प्लस जीरो उसमें पुट करके देखिए ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू, जीरो जीरो पुट करने पे ये इनइक्वालिटी सही आ रहा है, तो जीरो जीरो क्या है, इस चित्र के बीच में है, यानी कि ये देखिए रास्ता का चित्र ऐसे ही रहता है, नदी का या रास्ता का, अगर नदी या रास्ता का चित्र बनाना है तो ऐसा चित्र का सिंबल दे सकते हैं, बहुत मजेदार है। जितना भी आप एक्स वाई के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं सब का चित्र बनता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी तक सीमित है, जबकि लेस देन ग्रेटर देन होने पे इसका दायरा बढ़ता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नोट कर लीजिए इसको। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग घर पे बना लीजिएगा, s equals to x by such that x square less than equal to by less than equal to mod of x, और दूसरा में x by such that by square less than equal to 4x, 4x square plus 4 by square less than equal to 9। ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना वो बोर्ड्स में आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन जे या बोर्ड दोनों में आ चुका है, ये अपने मन से बनाइएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए मैथमेटिक्स का एक बड़ा अजीब सा पहलू है, हम ये बिना सोचे समझे हम स्क्वायर करने का नीति अपनाते हैं, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 1, आपको दिख जाएगा कि ये तो बड़ा आसान सवाल है, जबकि ये गलत है। चित्र होना चाहिए, ये रीजन, क्योंकि बाई जो है ना ये तो हम देख ही लिए कि सर्कल है, ये सर्कल तो बन ही गया, लेकिन ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल इसलिए है कि मॉडुलस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव का काम करता है और स्क्वायर रूट मॉडुलस ही होता है। अगर ये इस तरह से होता माइनस, तब ये पोर्शन का काम करता। हम लोग बहुत बार ऐसा गच्चा खा जाते हैं, हम लोग जब चाहे तब स्क्वायर कर देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब सिंपली देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वन है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो बाई बराबर प्लस माइनस वन वर्ग। अब ये इसका दोनों हो गया, ये हिस्सा ये हिस्सा, लेकिन अगर हम लोगों को ये पोर्शन दिया हुआ है तो ये और ये बराबर कैसे हो गया, तो आप कहीं ना कहीं स्क्वायर करके आप माइनस को किल कर देते हैं और क्वेश्चंस को जो है ना या तो टू टाइम्स बढ़ा देते हैं या टू टाइम्स स्क्वायर रूट करने पे खत्म कर देते हैं।
जबकि ये दो हिस्सा हो रहा है, प्लस और माइनस दोनों, तो ये प्लस वाला जो हिस्सा होगा ना वो यही हिस्सा कंसीडर होगा, ये हिस्सा 1001 सर्कल का है। तो ये सर्कल ही, लेकिन ये सेमी सर्कल का काम करेगा। और हम लोग क्या करते हैं ना, अक्सर ये मिस्टेक्स हो जाता है, मैथमेटिक्स का यही सब बैकबोन है। प्योर मैथमेटिक्स में आपको यही सब सिखाया जाता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। इसको स्क्वायर करने का हम लोग का तो स्वभाव ही है, स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा, ये आप ड्रॉ करेंगे ये, जब एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो आपका दुगना एरिया आ जाएगा, दो तीन बार चेक करेंगे तो हमेशा वही चीज हो जाएगा, जबकि ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हम लोग स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर करने में जो माइनस वाला टर्म जो है ना उसको उसमें कंसीडर कर लिया, इसलिए नीचे वाला भी पोर्शन आ गया। जबकि होना चाहिए क्या, ये प्लस रहेगा ये ऊपर वाला पोर्शन, माइनस रहेगा तो नीचे वाला पोर्शन। और हम इसका रीजन भी बताए हैं, रीजन क्या है, रीजन है कि अगर ये सर्कल हम कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए प्लस माइनस दोनों आ जाता है, प्लस माइनस दोनों आ जाता है तो हम खाली प्लस वाला को माइनस वाला में कैसे लिख सकते हैं, तो प्लस वाला ये पोर्शन हो गया, माइनस वाला ये पोर्शन हो गया, यानी कि इसको ड्रॉ करना होगा तो ये पोर्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, एरिया इंक्लूड, एरिया तो अभी पढ़े नहीं है, एरिया ग्रह के क्वेश्चन आया था आईआईटी में। रीजन enclosed between curves 4 minus x square 1 minus x का यह u कहो x minus 1 का modulus। देखो तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो बाय स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 4, एक पॉइंट दो पॉइंट, एक पॉइंट दो पॉइंट, एक पॉइंट दो पॉइंट, ठीक है। और ये सर्कल स्मॉलर पोर्शन पूछ रहा है, स्मॉलर रीजन कौन सा रीजन है जो दोनों के बीच में कवर अप हुआ है। अब ये आईआईटी में बोर्ड्स में सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आपको चित्र पता ही नहीं है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन तो अभी आता नहीं है, यानी कि हम लोग ग्राफ्स के बारे में ऑलमोस्ट बहुत कुछ जान गए हैं। अब दो क्लासेस हम लोग का और बचा हुआ है, कल के क्लास में हम लोग असिम्प्टोट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग असिम्प्टोट्स पढ़ेंगे, असिम्प्टोट्स से कोरिलेटेड ग्राफ, और उसके बाद लास्ट क्लास में बचा हुआ जो पॉलिनोमियल्स वगैरह का ग्राफ है वो बता देंगे। आपका 20 क्लास में ग्राफ खत्म हो जाएगा, 18 क्लास आज हो चुका है और आज 102वां क्लास है, हम लोग शतक मार चुके हैं क्लासेस में, 102 क्लास हो चुका है हम लोग का, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में आएंगे सब।